हम कहाँ पार्टी का विरोध कर रहे हैं। गुरु जी हमारे हमारे नेता हैं, गुरु जी हमारे गुरु हैं, गुरु जी ने हमको राजनीतिक सिखाया है। और पार्टी विरोधी कोई काम ऐसा हमने नहीं किया है। जहाँ तक कि पार्टी विरोधी काम किया है स्टीफन मरंडी, जिस समय एक बार वो पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस में चले गए थे कि हमारा स्थानीय नीति बने और यहाँ का खतियान आधारित नीति बने। आज बोरियो के शिबू सोरेन जनजातीय डिग्री महाविद्यालय में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा 1932 खतियान के आधारित नियोजन नीति को लेकर जन आक्रोश महासभा आयोजन किया गया। वहीं इस सभा को लेकर पार्टी के अंदर ही हलचल तेज हो गई है। वहीं जेएमएम पार्टी के स्तर से लगातार इस आयोजन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम पर हमलावार हो रहा है। वहीं जेएमएम के कल पार्टी के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है। उसी को लेकर आज लोबिन हेम्ब्रम ने पलटवार किया। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जो स्टीफन मरांडी पार्टी के हित की बात करते हैं, वह उस समय कहाँ थे जो कांग्रेस में चले गए और फिर जेएमएम में आए। वहीं उन्होंने नसीहत दी कि इस नीति के बारे में स्टीफन को भी इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए था। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर भी सवाल उठाया कि जब हेमंत सोरेन ने बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई थी, तब हमने विरोध किया था बीजेपी से सरकार बनाने पर। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को अस्थिर करने के सवाल पर सीधे तौर पर खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का जो आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। वही पार्टी की कार्रवाई करने के नाम पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, आखिर पार्टी हमारे पर क्या कार्रवाई करेगी? यही ना करेगी कि हमको विधानसभा में टिकट नहीं देगी, और अगर टिकट नहीं मिली हम चुनाव नहीं लड़ते, जनता चुनाव लड़ती है। वही करेगी पार्टी विरोधी कहाँ पार्टी विरोधी है। हम कहाँ पार्टी का विरोध कर रहे हैं। गुरु जी हमारे हमारे नेता हैं, गुरु जी हमारे गुरु हैं, गुरु जी ने हमको राजनीतिक सिखाया है। और पार्टी विरोधी कोई काम ऐसा हमने नहीं किया है। जहाँ तक कि पार्टी विरोधी काम किया है स्टीफन मरंडी, जिस समय एक बार वो पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस में चले गए थे और आज आकर कहाँ पे हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हम ऐसा विश्वास नहीं करते थे, सोचे तक नहीं थे कि इतना पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह का बात करेगा। और हम कहते हैं स्टीफन मरंडी हमसे सीनियर है, उसको आगे करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और लास्ट में हम जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इस बात को बोला, हम बहुत निराश हो गए और हम बोले कि नहीं, अब हमको घर से निकलना पड़ेगा। इसीलिए हमने 5 अप्रैल को हम घर से निकल रहे हैं और यहाँ से जाएंगे भोगनाडी। और भोगनाडी में हमारे जो अमर शहीद हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव, वहाँ पर उनका माल्यार्पण करेंगे, वहाँ का मिट्टी का टिक्का लेंगे। और 5 तारीख को फिर हम पाकुड़ जा रहे हैं और पाकुड़ मीटिंग करने के बाद बहुत जगह डिमांड है। अभी हम पूरा झारखंड का दौरा करेंगे, संताल परगना, छोटा नागपुर, कोल्हान, सब जगह हम जाएंगे और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से बताएंगे और मांग रखेंगे कि हमारा स्थानीय नीति बने और यहाँ का खतियान आधारित नियोजन नीति बने। और इसके बाद SPT एक्ट है जो इतना सशक्त है, सबल है, मजबूत है कि यहाँ पर जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ सेलेबल नहीं है। लेकिन आज पूरा कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरा बाहर अदर राज्य से लोग आ रहे हैं और यहाँ धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है। इसका मतलब SPT एक्ट को हम लोग ताक में रख दें क्या? बिल्कुल बेबुनियाद है यार। हम क्यों सरकार को स्थिर करें? आप लोगों को याद है 95 में हमको टिकट नहीं दिया था पार्टी, फिर हम निर्दलीय हम जीते। निर्दलीय जीतने के बाद भी हम कोई दूसरा पार्टी में नहीं गए और ये लोग लगा रहा है कि BJP वाले लोग के साथ में बैठता है उठता है। अरे कोई आदमी बैठता है उठता है उसे ये मतलब नहीं कि उस पार्टी से बिलोंग करता है या उस पार्टी में मिल रहा है। अरे जिस दिन हम मिलेंगे तब ना। और मैं बता रहा हूँ, यही हेमंत सोरेन BJP के साथ में सरकार बनाया था और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी और फिर वहां से लौट के आए, तब तक ये BJP की सरकार बना है। अच्छा, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।